तोहीन अदालत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। क्या अब इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ बिजली के बिल्स के हवाले से आज मरियम बीबी ने एक आधी ट्वीट की, बल्कि एक से ज़्यादा ट्वीट की, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी, और कुछ मज़ीद खबरें हैं जो कोशिश होगी कि आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करूंगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, अदालत बार बार जनाब उनको मौका देती रही कि आप एक दफ़ा अपना जवाब जमा करवाएं, उन्होंने जमा करवाया, फिर दूसरी दफ़ा जब उनको मौका मिला उस वक्त वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते। देखें जी, मेरा पहले दिन से ये मौकफ़ है। अब पहली बात तो ये है कि जो फर्द जुर्म आयद हुई है ये कतन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिल्टी हो गए हैं और उनको सज़ा हो गई। अब मुकदमा चलेगा और उस मुकदमे में साबित करना पड़ेगा कि ये आया तोहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। अच्छा, मेरा इस हवाले से पहले दिन से मौकफ है, मैंने टीवी पे भी बैठ के ये बात की थी। जिस दिन ये नोटिस लिया गया था उसी दिन बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने उसी वक्त कहा था कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं हाँ जी मैंने जुर्म किया है, अब मुझे माफ़ कर दें, अब आप अदालत के जो है उस पर रहम पे हैं कि वो आप के ऊपर रहम खाती है या नहीं खाती, इसलिए कि जुर्म का इतराफ़ तो आपने कर लिया, यहाँ पे तो जुर्म हुआ ही नहीं मेरी नज़र में। मेरे अब जो मौजिज अदालत आगे मुकदमा चलेगा, प्रोसीडिंग्स होंगी, तो वो जो फैसला करेगी तो वो फैसला तो मुस्तकबिल में आएगा, लेकिन मेरा कंसिस्टेंट ये मौकफ है कि यहाँ पर तोहीन अदालत हुई नहीं है। ये इसलिए कि वहाँ पे एक बड़ा सीरियस केस था तशद्दुद का, उसके ऊपर खान साहब ने कानूनी कार्रवाई करने की बात की। हाँ, हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, लहजे में कोई तलखी हो या कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन यहाँ कतन कोई ऐसा नहीं था कि किसी को धमकी दी गई हो जिस तरीके से माजी के केसेस में दी गई थी। जिक्र भी किया गया एक केस का, निहाल हाशमी साहब के केस का जिक्र होता है, दीगर लोगों के केसेस का जिक्र होता है। उस वक्त क्या माहौल था, इस वक्त क्या माहौल था, आपको याद होगा कि उस वक्त एक इंटरनेशनल मुबैना करप्शन का स्कैंडल आया था, पानामा पेपर्स, उसके बाद जो मुल्क के अंदर माहौल था, कुछ जो लीडरान ने बयानात दिए अदलिया के हवाले से वो आपको भी याद होंगे, तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिनारियो था। यहाँ पे एक शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, उस हवाले से खान साहब ने कहा कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन पुलिस अफसरान के खिलाफ और इन जज साहिबा के खिलाफ। इसके ऊपर तोहीन अदालत, मुझे नहीं लगता कि ये तोहीन अदालत है। अब अगर अदालत इस मुकदमे को चला रही है तो खान साहब के वकील अपना मुकदमा पेश करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये हमारा ये मौकफ है, और दूसरी साइड जो है वो भी अपना मौकफ रखेगी। लेकिन तो जो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि तोहीन अदालत तो उनकी नज़र में और मेरी नज़र में और बहुत सारे लोगों की नज़र में उस तरह हुई नहीं है। बाकी जो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये टिकटॉक का दौर है, जो ही कोई बात होती है, जिस तरह अगर पीटीआई के किसी बयान के मुतल्लिक इदारों के बयान या अदलिया से मुतल्लिक किसी बयान के ऊपर बहस शुरू होती है और मुखालफीन कहते हैं जनाब ये देखें इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, अगले 15 मिनट में सोशल मीडिया में लोग वीडियोज़ ही वीडियोज़ निकाल के शेयर कर देते हैं। और इस मौके पर भी आपने देखा होगा कि जो लोअर जुडिशरी है उसमें जिस तरह जजों के साथ सलूक किया जाता है ऑन सम ओकेजन्स अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह का रवैया होता है, तशद्दुद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो सारी वीडियोज़ जो है अभी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसके ऊपर भी तोहीन अदालत नहीं लगती। तो एनीवे, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से बिल्कुल जनाब अंजाम पे पहुंच गया केस, अंजाम पे ये नहीं पहुंचा जनाब, ये तो मेरे ख्याल में कानूनी अमल की एक तरह से इब्तदा है। केस चलेगा, साबित करेंगे, आप किस तरह साबित करेंगे, इसलिए कि कुछ वकला तो इसमें यह भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो सो मोटो ले। अब इसके ऊपर कानूनी और आइनी बहस होगी, वकला करेंगे वो, लेकिन ये जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं, भाई मौजूदा हुकूमत की आखिरी और वाहिद उम्मीद इस वक्त ये है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से नाअहल किया जाए, और कोशिश पूरी है, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सियासी तौर पे वो मुकाबला नहीं कर सकते, और सियासी तौर पे मुकाबला किस तरह नहीं कर सकते, इलेक्शन आप करवाएंगे तो जो हालत होगी वो आपको भी पता है, और इसी वजह से अब ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए हैं, और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब खुद लड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी हुकूमत के अंदर, हुकूमती इतिहाद के अंदर,
कि उन इंतखाबात से पहले ही कोई इस किस्म का फैसला आ जाए कि खान साहब को नाइल करार दे दिया जाए ताकि उनका मुकाबला ना करना पड़े मैदान में। लेकिन उस तरह का कोई फैसला तो नहीं आया। ऑब्वियसली किसी की मर्जी और मंशा से तो अदालत फैसला नहीं देगी, मुकदमा चलेगा तो वो आगे बात बढ़ेगी। एनीवे अब वो ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए हैं और इमरान खान की जो नाअहली है वो टोटल इस वक्त टोटल सियासी जो मुकाबला है ना, जो सियासी प्लान है वो टोटल इसका दारोमदार इसके ऊपर है। इस पे किसी को दो शक राय नहीं होनी चाहिए और किसी को इसके ऊपर शक नहीं होना चाहिए कि आपने ये नहीं, आपने जिस तरह वो कहते हैं ना कि जी कल हमारा उनसे क्रिकेट मैच है, आपकी हिकमत अमली क्या है? हमारी हिकमत अमली ये है कि कल बारिश हो जाए, बस इस तरह हम मैच जो है बराबर कर सकते हैं या जीत सकते हैं या एक पॉइंट ले सकते हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है कि उनकी ख्वाहिश है कि बस ये किसी तरीके से इनकी नाइली, और वो पूरी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी जनाब जो खबर है आपसे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ज़िमनी इंतखाबात के तो मुलतवी हो गए, मैंने आपको बता दिया। मरियम बीबी ने जनाब आज एक ट्वीट की। पहले तो मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ कि एक शख्स जो है अज़र नसीम साहब, आगे उन्होंने PMLN भी लिखा हुआ है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, उन्होंने ट्वीट की कि आज एक गांव की मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने की तौफीक मिली। जमात से पहले मस्जिद की इंतजामिया ने नमाजियों को बताया कि माहाना बिजली बिल रूटीन से बहुत ज़्यादा आ रहा है और इस दफ़ा मस्जिद का बिल मस्जिद का जनरेटर बेच के अदा किया गया। अच्छा, इन बिलों की ऐसी हालत है कि कोई एक जगह नहीं, किसी एक मस्जिद की ये कहानी नहीं, घर घर की कहानी है, दुकान दुकान की कहानी है, महल्ले महल्ले की कहानी है। इस वक्त जो बिजली की कीमत में इस हुकूमत ने इजाफा किया है उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। एनीवे, इस ट्वीट के ऊपर मरियम बीबी ने जो है वो आगे से ट्वीट किया, हैव सेंट दिस ट्वीट टू एवरीवन आई नो इन द गवर्नमेंट, कि जितने भी लोगों को मैं हुकूमत में जानती हूं मैंने उनको ये ट्वीट भेज दी है। मतलब देखें, मैं अगेन कहता हूं ना कि अवाम के इज्तमाई शऊर की तोहीन आप करने की कोशिश तो करते हैं, पर ये टिकटॉक का दौर है, आपकी हुकूमत है, आप इसी ट्विटर के ऊपर मिफ्ता इस्माइल को कहती हैं दुकानदारों के ऊपर टैक्स मत लगाओ, ठीक है, इसलिए कि उधर से आपको पता है कि वो जो तबका है उसमें मेजॉरिटी ये तासुर पाया जाता है कि शायद वो आपका वोट बैंक है। तो अब ये कह रही हैं जी गवर्नमेंट में हमारे जो जो भी जानने वाले, जो जो जानने वाले नहीं है, ये आपके चाचा, आपके जमात की और आपकी हुकूमत है, तो इस तरह तो खुदारा ना करें कि जो जो जानने वाले हैं सिर्फ उनको भेजूंगी, भाई आपकी अपनी हुकूमत है, अपने घर में दिखाएं, चाचा को दिखाएं। तो ये इस तरह जो है ये आज के दौर में ये अभी भी 90 की दिहाई की सियासत कर रहे हैं कि एक खबर छपेगी और अगले दिन लोग पढ़ेंगे, परसों उससे अगले दिन फिर लोग भूल जाएंगे। नहीं भाई, ये ट्विटर का टिकटॉक का दौर है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बंदे ने भी जनाब आज वो की ट्वीट की, एक और बंदे ने भी, और इस ये बंदा लिखता है अपनी ट्वीट में, जफर नकवी साहब जो हैं, कि एक बंदे ने मुझे कॉल की कि नकवी साहब मेरा 16 यूनिट्स का 1000 रुपये बिजली का बिल आया है, आप बराए करम CM शहबाज साहब, यानी जो उनका ट्विटर हैंडल प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब का, उनका और मरियम नवाज साहिबा को, दोनों को उन्होंने टैग किया, को बताएं, इनकी इनकी आवाज़ से यूं लग रहा था कि 1000 रुपये उनकी कुल कायनात थी जो बिजली के बिल की नज़र हो गए। अब इन साहब ने, जफर नकवी साहब ने की, ऑब्वियसली लोग मुश्किल में हैं, और इसके ऊपर मरियम बीबी ने आगे से ट्वीट की उफ कोट करके, उफ, और मेरे ख्याल में फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी उफ उफ होता रहा। पर एनीवे, ये आज का दौर है, अगेन मैं आपको कहता हूँ ट्विटर का दौर है, इस दौर में आप इस तरह लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये उफ नहीं, ये जो चीखें ना आवाम की, ये आपकी हुकूमत ने निकलवाई हैं, जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है ये आपकी हुकूमत ने किया है। उफ ना करें इसके ऊपर, कोई इसका तदारुक करें, खुदारा कोई बिजली की कीमतें कम करें। अगर आप लोगों ने कोई डील की है IMF से, उनसे कहें कि मुल्क में सैलाब आया हुआ, जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी लेके आए, कोई डील को रीनिगोशिएट करें। आपका तो बिल्कुल ये है कि हम उनकी मर्जी के बगैर छींक भी नहीं ले सकते, वो आपको कहते हैं इतना बढ़ा दो, आप लोग उतना बढ़ा देते हैं। एनीवे जनाब, ये हैं तफसीलात, और बिजली के बिल की, अगर आपका बिल ज़्यादा आया है तो परेशानी तो आपको होगी, लेकिन एक चीज़ की आपको खुशी होनी चाहिए कि मरियम बीबी के अगर कोई जानने वाला हुकूमत में जो जो भी है वो उन सबको भेजेंगी भी, और उसके ऊपर जो है हुकूमत करेगी, हुकूमत का रिस्पांस क्या होगा। उफ, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।